अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी आपके चैप्टर 4 फर्स्ट एड का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट सी, जिसमें वो कह रहे हैं हमसे कि जी रीड द फर्स्ट एड प्रोसेस ऑफ कट्स एंड स्क्रेप्स, पुट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ये हमारे पास एक अदद है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होता है हमारा एक डायग्राम होती है जिसमें किसी डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमें पता चलता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, ये सारा हमारा सिस्टम इसमें चलता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने अब क्या करना है कि हमने हमारे पास जो चैप्टर में एक प्रोसेस दिया हुआ है उसकी सिर्फ उसको हमने सिर्फ इस डायग्राम में ऑर्गेनाइज कर देना है। तो हमारे पास जो पहला काम था वो क्या था, वो था स्टॉप द ब्लीडिंग। कि अगर आपको जख्म लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो पहला काम आपने ये करना है कि उसमें से खून निकलना बंद करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने जख्म को साफ करेंगे, क्लीन द वाउंड। और नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में हम ये करेंगे कि आपका जख्म साफ हो गया, अब हम इस पे कोई एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे, अप्लाई एन एंटीबायोटिक। अब वो क्रीम है, जो भी है, ऑइंटमेंट है, वो आप उस पे लगाएंगे। और उसके बाद अगला हमारा काम आ जाएगा कि हमने उस जख्म को कवर कर देना है ताकि उस पे जरासीम ना लगे। कवर द वाउंड। नंबर 5 क्या होगा, नंबर 5 ये होगा कि कवर कर दिया आपने, उसकी ड्रेसिंग कर दी, उस पे बैंडेज लगा दी। अब आपने उसकी बैंडेज को रेगुलरली चेंज करते रहना है। तो हम लिख देंगे चेंज द ड्रेसिंग। और लास्ट हमारा काम ये होगा कि आपने अपने जख्म को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया, उसको डील कर लिया। आखिरी काम आपका ये कि आपने ध्यान रखना है कि कोई इसमें इंफेक्शन ना स्टार्ट हो जाए। वॉच फॉर साइंस ऑफ एन इंफेक्शन। और ये हमारा पूरा जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है ये हो गया है। इजी सा है ये क्वेश्चन, छोटा सा था। इसको प्रैक्टिस करें, इसको याद करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।